नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। ओपनिंग सेशन में गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 92 तो निफ्टी में 20 अंक की गिरावट। बीते 24 घंटे में देश में 18,346 नए केस आए सामने, 263 मरीजों की हुई मौत। कोवैक्सीन को आज मंजूरी दे सकता है WHO, शाम तक फैसला संभव। पार्किंग पॉलिसी के चलते मुख्य बाजारों में कोई प्लान नहीं, 15 दिनों में दे प्रस्ताव। 18 महीनों के बाद खुले स्कूल, क्लासरूम में लौटी रौनक, स्कूल में मौज मस्ती के साथ पढ़ाई शुरू। सोमवार को प्रतिष्ठानों पर उपद्रव खोज दल की कार्रवाई, 46 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का किया गया निरीक्षण। पांचवाली थाने के पास युवक की हत्या, सोमवार की रात हुई इस वारदात से परिसर में मचा हड़कंप। काटोल नरखेट में एक तरफा जीत, APMC चुनाव में केदार गुट का वर्चस्व बरकरार। टंकियों के निर्माण में हुई लापरवाही उजागर, 42 का होना था निर्माण, 11 टंकियां ही बन पाई। डॉक्टरों की हड़ताल हुई खत्म, काम पर लौटे डॉक्टर, 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।